इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi everyone, welcome to our channel. Myself Nimisha. जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर. इसी टॉपिक का एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आती हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक. और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्यूमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, जो बेसिकली नागपुर का इंस्टीट्यूशन है, नागपुर का कॉलेज है एंड नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है. इसके बारे में हम आपको देंगे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, यानी कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज एंड इन दी एंड हम लोग ये भी बात करेंगे कि यार अगर 6 पैरामीटर्स पे इस इंस्टीट्यूशन को रेट एंड रिव्यू करें तो वो कैसा होगा. तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ. कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं क्यूमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के बारे में, जो नागपुर का है. ये नागपुर कैंपस की हम बात कर रहे हैं. AICTE अप्रूव्ड है, एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2010. RTM नागपुर के थ्रू इसको अफिलिएशन मिली है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एंड नाग के थ्रू भी इसको अक्रेडिटेशन मिला हुआ है. तो ये तो ही बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब अगर हम बात करें कि कोर्सेज स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन से परस्यू कर सकते हैं, तो BTech जिससे कोर्सेज आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो स्पेशलाइजेशन जो आपको बी में मिलती है वो 4 साल का, जैसे कि आपको पता होगा, कोर्स है. महाराष्ट्र CET एंड JEE मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसके स्कोर्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन. वहीं जो 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 स्ट्रीम्स, 3 स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट्स अपना BE कंप्लीट कर सकते हैं. एंड बिलैटरल की बात करें तो वो भी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. इसके लिए भी आपको देना होगा महाराष्ट्र CET जैसा एग्जामिनेशन. तो ये तो है बेसिक एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. एंड इन एडिशन टू दिस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली यार बैचलर्स की डिग्री है तो आपका 10+2 देखा जाएगा, कौन से बोर्ड से किया है, अच्छी जगह से किया है या नहीं, कैसे मार्क्स आए हैं आपके. 45% for the ST/SC and OBC and 50% minimum aggregate marks is what they are expecting from their students who are applying for admission here. So ये तो है basic eligibility criteria. अब अगर students ये सोच रहे हैं हमारे marks के हिसाब से क्या हम यहाँ पे fit बैठते हैं नहीं, या फिर आपको बता दूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स अवेलेबल होती है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है एंड एक डाउनफॉल हो जाता है. अनरिलेवेंट सोर्सेज से भी स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं. मैंने काफ़ी बार ये चीज़ भी हाईलाइट करके बताई है स्टूडेंट्स को, एक बार फिर से बता रही हूँ. तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, इंस्टीट्यूशनल चीज़ के बारे में जानना है, एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू. डायरेक्टली बात करिए हमारे काउंसलर से, वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनली गाइड कर देंगे. ये तो थी कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस. तो ये तीनों ही टॉपिक को मैंने आपके लिए अभी तक कवर कर लिया है. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टॉपिक की, जो है रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट इज टू मच कंफ्यूज. हम उसके अकॉर्डिंग जाए तो उन्हें टेक्निकली कुछ क्लेम नहीं किया है, वो बात अलग है कि उन्हें क्यूमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की वेबसाइट ज़रूर बनाई हुई है. नागपुर का इंस्टीट्यूशन है, चीज़ें हाईलाइट की हैं इनकी अलग अलग एकेडमिक्स करियर जो बेसिक है. प्लेसमेंट से रिलेटेड ने इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दी है, इन डेप्थ की तो छोटी बेसिक भी कहीं नहीं दी है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए, समझ में आए. बट यार डोंट वरी, हम लोग ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अटेन करी है फ्रॉम द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वाया स्टूडेंट का अपने फीडबैक फॉर्म जो स्टूडेंट्स ने भर के हमें बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फीडबैक शेयर किया, रिव्यूज़ दिए हैं. उसके बेसिस पे अगर जाए तो 7 से 8 लाख के अराउंड ही कुछ फीस जो प्लेसमेंट्स है वो अभी तक गया हुआ है इस इंस्टीट्यूशन में. एंड वहीं अगर हम एवरेज की बात करें या मिनिमम की बात करें तो 2 से 3 लाख का मिनिमम यहाँ से चालू होता है. तो कंपनीज भी जो अगर कुछ हाईलाइट्स करके मैं आपको बताऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो अगर हम कंपनीज की बात करें जो रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक इस इंस्टीट्यूशन में आई है, तो एक्सेंचर जैसी कंपनी आई हुई है, डिलॉयट कंसल्टिंग आई हुई है, एरिक्सन इंडिया, HSBC, IBM, आइडिया सेलुलर सर्विसेज, कैस्ट्रॉल, CMC, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, KPIT, क्यूमिन्स. तो ये कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक आ चुकी है, स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर चुकी है. बट यार प्लेसमेंट से रिलेटेड ने कहीं क्लेम नहीं किया है. तो ये क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है इस प्लेसमेंट से रिलेटेड? अगर आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे काउंसलर्स के पास इससे रिलेटेड भी है. सो दैट्स अ रैप अप फ्रॉम द प्लेसमेंट साइड. नाउ हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल जाती है. बेसिक फैसिलिटीज़ से भी चालू करें या मिनिमम मैक्सिमम फैसिलिटीज़ भी, तो बेसिक ही आपको प्रोवाइड करवा देता है. अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि वुमेंस का कॉलेज है. उस अकॉर्डिंग बात करें तो क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर लैब्स, लेबोरेटरी अवेलेबल है, जिम, लाइब्रेरी। तो ये तो हुई बेसिक फैसिलिटीज की बात। अगर स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए इन फैसिलिटीज के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज को अगर हम रेट एंड रिव्यू करें, जो कि हम आ गए अपने फाइनल सेगमेंट में, फाइनल राउंड में इस वीडियो के, जहाँ पे हम रेट एंड रिव्यू करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। Naming the parameters, we have academics, infrastructure, accommodation, faculty, social life and placements यहाँ का कैसा है on the basis of student feedback forms, student reviews, students experience. So without wasting any time, let's get started with the academics here. Academics में अगर हम rate करें तो we are rating 6.9 out of 10. Talking about the accommodation here, we are rating 6.3 out of 10. The students have faced a lot of problems. एंड फैसिलिटीज़ उनको जो बेसिकली अकोमोडेशन की है वो इतनी कुछ खास लगी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्हें हमें रिव्यू दिया है, उसके बेसिस पर अगर हम जाएँ। और अगर फैकल्टीज की बात करें तो वी आर रेटिंग 8.1। टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर इट्स फाइन, सो वी आर रेटिंग 7.5। टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स हेयर, सो एज आई सेड मेंशन नहीं किया है तो हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यार अगर वो क्लेम करते तो हम ज़रूर ही उनको फटकार लगाते, अच्छा होता तो फिर उसे अप्रिसिएट करते। लेकिन जिसके बेसिस में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अगर हम उसके बेसिस पे जाएँ तो वी आर रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो वी आर रेटिंग 8 आउट ऑफ 10। So that's a wrap up for this episode. आज हमने बात करी Cummins College of Engineering for Women, जो बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रीली अवेलेबल है WhatsApp नंबर। कॉल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, अपने मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हैं हम कौन सी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें, एडमिशन ले, तो उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर के थ्रू। So yeah, this is it. This was me, Nimisha Vichani, signing off from today's episode. And if you like this video, then do hit the like button and subscribe our channel.